गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक एंड न्यूज़ में। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप B612 से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपना जो बैकग्राउंड है वो कई सारी एप्लीकेशन से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि PicsArt और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐप्स हैं जो कि अवेलेबल है अपना प्ले स्टोर पे, जिनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बट गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि आप B612 एप्लीकेशन से कैसे ईजिली अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और एक अट्रैक्टिव फ़ोटो बना सकते हो। तो सिंपली आपको उसके लिए सिंपली करना क्या होगा, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्ले स्टोर में जाके अपना जो एप्लीकेशन है B612 उसे डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने B612 को खोल लेते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो मैं डायरेक्टली आपको खोल के एडिटिंग दिखाऊंगा। ठीक है, आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, B612 में जाने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना होगा स्टिकर वाले ऑप्शन पे। जब आप स्टिकर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो कट का। ठीक है गाइस, ऑटो कट वाला ऑप्शन पे आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप जो भी फ़ोटो है उसको पहले क्रॉप कर पाएंगे और बाद में बैकग्राउंड बदल पाएंगे। तो मान लो मुझे क्या करना है, ये वाला मेरा फ़ोटो है, अब मैं इस पर क्या करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड इसका चेंज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, जैसे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो अपना फ़ोटो है उसको कलर कर देगा, मतलब कि उतना एरिया बचाने के लिए ये उसे सेलेक्ट कर लेगा। अब मैं जैसे ही इसे राइट करूँगा, देखिए इसने क्या किया है, फ़ोटो को क्रॉप कर दिया है। तो यहाँ अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, मतलब कि इससे हमने क्या किया है, अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया है। अब रही बात बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड आप अपना कोई भी फ़ोटो लगा सकते हो, आप अपना गैलरी में से भी कोई सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे गैलरी में चाहिए तो मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा तो मेरी गैलरी दोबारा ओपन हो जाएगी। ठीक है, और मुझे इसी फ़ोटो को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए आप ऐसे करके भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, समझ गए। तो आप अपना बैकग्राउंड है वो गैलरी से भी लगा सकते हो। अगर आप गैलरी में से नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे कुछ और भी फ़ोटोज़ हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं B612 में, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उनको सेलेक्ट करके अपना बैकग्राउंड में उन्हें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला फ़ोटो है, ये मैंने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको अभी टाइम लग रहा है। देखिए मैं डाटा ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, देखिए डाउनलोड हो जाएगा ये, तो ये बैकग्राउंड देखिए आ गया। तो इस तरह से भी आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने ये बैकग्राउंड लगा दिया, ये रही अपनी दूसरी स्टेप। पहले हमने क्या किया, ऑटो कट वाले ऑप्शन पे जाके फ़ोटो को क्रॉप किया था, जो कि ये ऑटोमेटिकली अपने फ़ोटो को क्रॉप कर देता है। फिर आपको क्या करना है, सिंपली बैकग्राउंड लगा देना जो भी आप लगाना चाहते हैं। फिर आप क्या करिएगा, इसे सेव कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, सेव करने के बाद में सिंपली आपको क्या करना है, क्रॉस करिएगा, ओके करिएगा, आपके एडिट में जाके गैलरी में से जो आपने बैकग्राउंड बदला है उसको वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से लेने के बाद अब मैं आपको इसमें कुछ एडिटिंग और बता देता हूँ। आपको जाना होगा एडजस्ट वाले ऑप्शन में, वहाँ जाने के बाद सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, फ़ोटो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए विंटेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है गाइस, और आप क्या कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा आप शेडो को भी बढ़ा सकते हो। तो ऐसे इसमें कई सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसे राइट कर दीजिएगा। राइट करने के बाद सिंपली आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना स्टिकर्स भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कुछ स्टिकर्स हैं जो कि मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, आप भी लगा सकते हो अपनी पिक्स में। ठीक है गाइस, तो मैं आपको एक आधी स्टिकर शो कर देता हूँ। डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये स्टिकर लग गया, ओके कर दीजिएगा। अब देखिए हमारा फ़ोटो काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लग गया है। तो इस तरह से आपकी क्या, आप भी क्या कर सकते हो, एक अट्रैक्टिव फ़ोटो एडिट कर सकते हो, किससे, B612 एप्लीकेशन से। आप पहले बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कोई भी बैकग्राउंड अपने मन अनुसार लगा सकते हो। तो मैं आपको सिंपली यही बताना चाह रहा था, अगर आप कोई भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो या फिर आप केवल फ़ोटो को कट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन की मदद ले सकते हो। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी जल्दी आप इससे क्या कर सकते हो, फ़ोटो को एडिट कर सकते हो। ठीक है गाइस, ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन आया है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक तो अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, दूसरा क्या कर सकते हो, आप बिना बैकग्राउंड चेंज करे भी अपना क्या कर सकते हो, इसको फर्दर और इमेजेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।